वो धर्मशाला वाला गोपन्ना ही चोर है महाराज। धर्मशाला वाला गोपन्ना? जी महाराज, धर्मशाला वाला गोपन्ना महाराज। महाराज हमारा पुरस्कार। जी जी अवश्य गुरुवर, अब क्या चाहते हैं आप पुरस्कार में? महाराज हमें वो महाराज वो इस मूर्ख कोतवाल को अभी आना था। कोतवाल? प्रणाम महाराज, और गुरुवर आपको बुलाया है। हमें बुलाया? गुरुवर गोपन्ना निर्दोष है और पंडित रामाकृष्णा ने सबके सामने सिद्ध कर दिया है। हैं? तो हमारा पुरस्कार? नहीं, अर्थात वो पंडित रामाकृष्णा चोर को पकड़ने गए थे या उसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए? गुरुवर, पंडित रामाकृष्णा गलत नहीं हो सकते। हाँ महाराज, गलत तो हमारा अर्थात वो हमारे राज्य का भाग्य है महाराज। अब गोपन्ना भी चोर नहीं निकला। आशा करते हैं गुरुवर कि अगली बार हमें असली चोर के पकड़े जाने की सूचना मिले। जी महाराज, और वो सूचना हम ही आपको देंगे महाराज। गुरुवर, उस सूचना के लिए हमें लोहार के पास चलना पड़ेगा क्योंकि सब लोग वहीं गए हैं। आइए। आगे दीजिए महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। चलिए आइए। पंडित रामा जी, आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ गड्ढा खोदकर सोना छिपा रखा है? यदि निर्दोष हो तो निश्चिंत रहो। ये क्या हो रहा है पंडित रामाकृष्णा? हो क्या रहा है ये? हमने चोर पकड़ लिया था, प्रमाण भी था, किंतु सोना नहीं था गुरुवर, और नहीं मिलेगा। गोपन्ना निर्दोष है। पंडित रामा जी, सुरंग मिल गई। सिपाहियों, यहाँ की मिट्टी हटाओ। लोहार ने ठीक इसी स्थान पर बग्गी रोकने को कहा था। सुरंग की जांच करो। सिपाहियों, प्रसन्न को बंदी बना लो। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ सुरंग है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता प्रसन्ना, बहुत कुछ देखना है। कारागार के कोड़े, फांसी का फंदा। वाह बीरबल वाह, आज तक तो सुराग से ही अपराधी पकड़े जाते थे, आज आपने सिद्ध कर दिया कि मात्र सुराग से ही नहीं सुरंग से भी चोर पकड़े जा सकते हैं। अद्भुत बीरबल अद्भुत, आपने पुनः चोर पकड़ लिया। वाह, मारो इसे। क्या हुआ, सुरंग से कुछ मिला? पंडित रामाकृष्णा जी, मिट्टी मिली है मिट्टी। सिपाहियों, इस प्रसन्ना को तब तक मारते रहो जब तक कि वो सत्य नहीं बोलता। पहले बग्गी से निकाला, उसके बाद सुरंग से भी निकाल लिया, बता सोना कहाँ है? मारो। मैंने तो मात्र पहिया नहीं करा था, उसकी मरम्मत करके वापस लगा दिया, और मुझे कुछ नहीं मालूम, छोड़ दो मुझे। रुके, यदि प्रसन्ना का हाथ केवल पहिए तक पहुंचा था तो फिर वो किसका हाथ था जो सोने तक पहुंचा था? ये पता नहीं किया जा सकता कि हाथ किसका था, किंतु ये पता किया जा सकता है कि हाथ सोने तक पहुंचे कैसे, और उसके लिए तो हमें बग्गी के पास जाना होगा। पंडित रामा जी, हमारी जानकारी के अनुसार बग्गी वहां बहुत कम समय के लिए रुकी थी। हाँ, तो इतने कम समय में बग्गी के नीचे जाना, पेच खोल के सोना निकाल के सुरंग में रखना और फिर से पेच लगा के सुरंग को ढक देना, असंभव है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने समय बग्गी वहां रुकी थी उतने समय में प्रसन्ना ने पहिया निकाल कर उसे ठीक किया और फिर से लगाया भी, तो ये नहीं हो सकता। बीरबल जी, ये हैं हरिलाल बग्घी वाले जिन्हें आपने बुलाया था। सोना लाने वाले दल में ये भी शामिल थे। हरिलाल, कौन सा पहिया ठीक किया गया था? दाई तरफ का। तो जब पहिया ठीक किया जा रहा था आपकी नजर कहाँ थी? जी मैं वहीं उपस्थित था, न मैं हिला
और ना ही मेरी दृष्टि। अच्छा, भैया ठीक करते समय किसी भी कारणवश प्रसन्ना बग्गी के नीचे गया था क्या? जी नहीं महोदय। ये सब पर्याप्त है ये मानने के लिए कि प्रसन्ना ने ये चोरी नहीं की। इसका अर्थ यह है कि सारे संदिग्ध संदेह से बाहर निकलते जा रहे हैं और हमारी जांच वहीं पर आकर रुक गई है जहां से हमने आरंभ की थी। पंडित रामकृष्ण, कल पूर्णिमा है और यदि कल तक वो चोर नहीं पकड़ा गया तो अनर्थ हो जाएगा और महाराज निर्दोष होते हुए भी न्याय के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। आकाश में चांद आने से पहले कल के सूर्य के उजाले का पूरा दिन है हमारे पास। जब हम समय के विरुद्ध दौड़ते हैं तो समय बीतने में समय नहीं लगता बीरबल। समय से तीव्र तो आजकल हमारे गुरुजी चल रहे हैं। अब देखिए ना, खुशखबरी देने के लिए महाराज के पास चले गए। प्रणाम महाराज, प्रणाम। गुरुवर, गुरुवर, अब जब भी इतने आतुर प्रतीत होते हैं हम भयभीत हो जाते हैं। आतुर नहीं महाराज, आश्वस्त है महाराज, आश्वस्त है। वो सुरंग ने चोर को बीरबल के साथ पकड़ लिया महाराज। नहीं महाराज, वो चोर को बीरबल ने सुरंग के साथ पकड़ लिया। अद्भुत गुरुवर, सोना कहाँ है? सोना तो अपने निवास पर है महाराज। गुरुवर, चोरी वाला सोना कहाँ है? अच्छा, आप चोरी वाले सोने की बात कर रहे हैं महाराज। महाराज, सोना भी मिल जाएगा महाराज। महाराज, ये जो प्रसन्ना जैसे जो चोर होते हैं ये उल्टी खोपड़ी के चोर होते हैं, इन्हें उल्टा लटका कर ही सच उगलवाया जा सकता है महाराज। अब वो पकड़ा गया है तो वो रह गया महाराज, हमारा वो उपहार रह गया महाराज। मिल जाएगा गुरुवर, सोना मिलते ही आपको आपका उपहार भी मिल जाएगा। महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम कोतवाल। क्या हुआ कोतवाल, क्या हुआ? प्रसन्ना ने बता दिया कि सोना कहां छुपाया है? गुरुवर, ना उसने बताया है और ना ही वो अब बता पाएगा। वो लोहार था और लोहार ही निकला, बस चोर नहीं निकला। क्या हो क्या रही है कोतवाल, क्या हो रहा है? हम यहाँ महाराज को चोर की सूचना देने आते हैं, उधर आप लोग चोर को निर्दोष साबित कर देते हो। साबित कर देते हैं, निर्दोष ही होता है महाराज। गुरुवर, बीरबल ने जो जांच की है उससे पता चला है कि वो चोर नहीं है। ये गुबन्ना चोर नहीं है, प्रसन्ना चोर नहीं है, तो क्या सोने के पैर निकल आए जो स्वयं वो सैर करने भाग गया? गुरुवर, आप हमसे दो बार मिलने की विनती कर चुके हैं, परंतु इस बार हम आपसे विनती करते हैं, जब तक चोर और सोना आवास वाला नहीं, चोरी वाला सोना ना मिल जाए, तब तक आप हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिए। जी महाराज, आज्ञा दीजिए महाराज। आइए, चलो आइए। सोना कहाँ है? सुनिए जी, एक तो उस चोर को लेके आपके मस्तिष्क में हजार प्रश्न झूल रहे हैं और ऊपर से आप भी झूल रहे हैं, ऐसे में आपको चक्कर भी आ सकते हैं। शारदा, मुझे तो ये सोचकर चक्कर आ रहे हैं कि यदि कल तक चोर नहीं मिला तो महाराज आत्मसमर्पण कर देंगे और बिना किसी अपराध के दंड के अधिकारी हो जाएंगे, ऐसे में हमारे राज्य की गरिमा कलंकित हो जाएगी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप इसे हृदय मत हारिए। मैं इतना असमर्थ हो गया हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जीवन में जो कुछ भी सीखा यदि महाराज को बचाने के काम नहीं आया तो सब निरर्थक है। अरे बिना खाए आज तक आपसे कुछ हुआ जो आज होगा? ये लीजिए हल खाइए, इन्हें खाएंगे और उसके बाद सोचेंगे तो शायद उनका हल भी मीठा निकले। शारदा, तुम दो क्षण बोलना बंद करोगी तो मैं सोचना आरंभ करूंगा ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई सुराग आंखों के सामने ही है किंतु दिख कर भी। जलपान और लघुशंका के लिए एक शौचालय के समीप भी रुके थे। कुछ देर बाद हमारे बग्गी का पहिया खराब हो गया, परंतु मैंने तो बग्गी की बाहर से मरम्मत की थी, उसके भीतर क्या था ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो फिर तुम्हारी धर्मशाला से ये राजकीय सूची कैसे मिली? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सत्य बोल रहा हूँ। जैसे ही हमने एक काली घाटी के क्षेत्र में प्रवेश किया मानो मौसम खराब हो गया हो, चारों तरफ तेज हवाएं, धूल मिट्टी उड़ने से समस्त दल और घोड़ों को बहुत ही कठिनाई हुई।
केवल इसे जांच करना शेष है। शायदा मुझे जाना होगा। परंतु कहां? उस भूतिया चोर को पकड़ने के लिए। भगवान, हे भगवान, जहां से आरंभ किया था वहीं पहुंच गए। कल पूनम की रात भी आ जाएगी। यदि कल तक चोर नहीं पकड़ा गया तो अनर्थ हो जाएगा। सभी जिन पर शंका थी सब शंका से परे हो गए। अब तो केवल वो भूतिया डाकू ही बचा। बीरबल बीरबल, कुछ भी करके उस लुटेरे को पकड़ो, मस्तिष्क दौड़ाओ, कोई युक्ति लगाओ। यदि महाराज नहीं रहे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। परंतु पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? हो सकता है उन्हें कोई हल मिल जाए। या मिल भी गया क्या? कोतवाल, यदि रामा को हल मिल गया, उसने चोर को पकड़ लिया, तो भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमें पुनः तपस्या के लिए जाना होगा। वो तो निश्चित है। कहाँ होगा पंडित रामकृष्ण? हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। कहाँ है वो? ढूंढने की जरूरत नहीं है गुरुवर। पंडित रामकृष्ण कहाँ थे आप? घर पर। घर पर? पंडित रामकृष्ण, कल पूनम की रात है और पता है मंत्रीवर। तो क्या सोचा पंडित रामकृष्ण, आप क्या करना है? कुछ नहीं, अभी तो बस फल खाने की इच्छा है। फल खाने हैं? हाँ बीरबल, तुम उत्तर भारत से हो ना? जी। वहाँ आम मिलते हैं, कभी आम खाए हैं? पंडित रामा जी, आम मिलते भी हैं और खाए भी हैं। फलों का राजा है यहाँ। हाँ, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो पंडित रामकृष्ण? हैं? यहाँ हमारे राजा पर इतना बड़ा संकट आन पड़ा है और आपको फलों के राजा की पड़ी है? आम खाने हैं आपको? इतने आम विचार हैं आपके इस परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में? गुरुवर गुरुवर, बस मन हुआ है तो हुआ है, छोड़िए। तो बीरबल, तुम्हारे उत्तर भारत में नीले रंग के आम मिलते हैं? नीले रंग के आम? क्या नीले आम? नीले रंग के आम? पंडित रामकृष्ण को दिमागी दौरा पड़ गया, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है इनका। नीले रंग के आम की बात कर रहे हैं? अरे हरे पीले जला दो तो काले आम मिलेंगे, ये नीले आम असंभव। नीले रंग के आम ना ही कभी सुने और ना ही कभी देखे हैं मैंने पंडित रामा जी। पता है, किंतु सूर्य राव के घर पे मैंने तो देखा था, और जब से देखा है तब से मुझे वही नीले रंग का आम खाने की चाह है। बीरबल, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मानते हो और मेरी सेवा भी करना चाहते हो। सेवा करने के लिए कहा था? क्यों कहा था? जी हाँ, कहा था। बस मुझे वही नीले रंग का आम लाकर दो। हम समझ गए पंडित रामकृष्ण, समझ गए। चाल है ये तुम्हारी, चाल है। बीरबल को भ्रमित कर स्वयं विजयी होना चाहते हो। रुवर, यदि मुझे ऐसा करना होता तो कब का कर चुका होता। प्रतिस्पर्धा को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। मुझे वो नीले रंग का आम खाने की चाह है बीरबल। देखो बीरबल, ये नहीं, यदि ऐसा कोई आम है तो मैं उसे लेकर आऊंगा। कोतवाल जी, जी मैं सूर्य राव के घर जाऊंगा, आप भी चलिए मेरे साथ। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हम और पंडित रामकृष्ण भी चलेंगे। नहीं मंत्रीवर, आप जाइए, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूंगा। आप लोग फिर आ गए। तलाशी के बाद जो मेरा घर कबाड़ खाना बना हुआ था उसी को साफ करके अभी बैठा था। अब तो मैं ही बचाऊ, मेरे वस्त्रों की तलाशी ले लो। हम तलाशी लेने नहीं आए। तो फिर हम तो केवल फलाहार करने आए। सुना है तुम्हारे घर में फल अनोखे और दुर्लभ होते हैं? जी नहीं, मैं भी विजयनगर के बाजार से ही फल लाता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए ताजे फल ले आता हूँ, परंतु दुर्लभ और अनोखे नहीं, मौसमी फल जो बाजार में मिलते हैं। यदि आप खिला ही रहे हैं तो मुझे खाना है। आप
वो भी नीले रंग का। नीले रंग का आम? नीले रंग का आम होता ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता है। जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता वो आपने बड़े शौक से अपने घर के फलदान में छुपा कर रखा है। ये देखिए, अरे ये तो नीला है और आम भी है। अरे सूर्य राव, कौन से बगीचे में उगाया है इसे? उगाया नहीं, ये पूछे कि कैसे बनाया है। कोतवाल जी आप खाएंगे? खाना मैं आपको काट के देता। अरे इस शाम को तो खाना ही पड़ेगा। हाँ काटिए 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 काटिए, ठीक से काटिए। अरे मंत्रीवर, ये तो सोना है, परंतु ये तो आम जैसा ही लग रहा है। महामंत्री जी, ये कोई आम आम नहीं है, विशेष आम, सोने का बना हुआ आम। और ये रही उस काली घाटी पर सोना चुराने वाले भूतिया चोर की आत्मा। असली बसंती नहीं मिली तो नीला रंग चढ़ा दिया। परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे शाही सोने का सिर्फ एक आम बनाया? हाँ ये बात तो मेरी भी समझ नहीं आ रही। एक क्षण एक क्षण, हम समझ गए। नहीं समझे। परंतु मैं समझ गया हूँ राजगुरु जी, यही है वो शाही सोना। शाही सोना? ये शाही सोना नहीं है, ये मेरा सोना है। पर मैंने कोई सोना नहीं चुराया, अभी तो मैंने तो चोरों से बचाने के लिए ऐसा आम बनाया। सूर्य राव, हम तुम्हारी बातें तब तक सुन रहे थे जब तक हमें तुम पे संदेह था। अब संदेह नहीं, विश्वास हो चुका है। बाकी का सोना कहाँ है? ये भी सोने की बनी है। मंत्रीवर, ये तो सोना है। सोना? हाँ। ये सारा सोना भी आप ही का है? हे भगवान, एक साथ इतना सोना हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। चांदी की डाल पर सोने का मोर, देखो देखो फैला है सोना चारों ओर। बंदी बना लीजिए, यही है जिन्होंने राज के सोना चुरा है। यह मात्र एक चोरी नहीं थी, अपितु हमारे सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ सोने को जिस प्रकार तुमने चुराया, मानो कि एक शेर के मुंह से किसी ने हाथ डालकर उसका शिकार छीन लिया। और चतुरता से संदेह का बाण हमारे महाराज पर ही चला लिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये मात्र चोर नहीं पकड़ा गया, साथ ही बहनी का हल मिल गया, साथ ही बहनी का हल मिल गया। बीरबल विजयी हो गए, बीरबल विजयी हो गए। मुझे श्री का तिलक बीरबल के माथे पर लगेगा। परंतु बीरबल, ये सूर्य राव भूत जैसा नहीं दिखता, फिर इसने एक कारनामा कर कैसे दिखाया? राजगुरु जी, लालच का दिमाग ईमानदारी को छीन लेता है। लालच देकर ही सूर्य राव ने बग्गी वाले हरिलाल को अपने साथ मिलाया। परंतु कैसे? यदि इस रहस्य का हल मैं आपको दरबार में महाराज की उपस्थिति में देना चाहूं। उससे उचित स्थान तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर पंडित रामा कृष्णा भी तो होगा।